का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे परमेश्वर के रूप में आए हैं। आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री पीएम कुंद्रा साहब, आदरणीय अरुण उराव जी, आदरणीय चंद्र यादव जी, पीडब्ल्यूसी के मेंबर आदरणीय भव्य कांग्रेस दस्ताओ जी, हमारे सरुजा महाराज पीए सिंहदेव जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, भरी राहुल जी, रवि चौबे जी, भाई मोहम्मद अकबर जी, साहब वर्मा जी, भाई चरणदास महंती और सभी हमारे विधायक साथी भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश में उत्सुकता है और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश से प्रदेश में खबरें जाएंगी। मैं ज्यादा देर आपके और सर्वे साहब के बीच में न रहते हुए सीधा माइक्रोफोन में सर्वे साहब को मैं हासिल करता हूँ। और सीएमपी के नेता और जो कल शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी, और सीनियर लीडर पीएस सिंहदेव जी, साहू जी, मांत जी और सारे मंच पे बैठे हुए एआईसीपी के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक और सारे विधायक, ये जो आज विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया, इससे पहले जो हम दो दिन पहले आए थे उस वक्त सभी विधायकों ने एक ही स्वर में अपना निर्णय लिया था। राहुल गांधी जी जो कहेंगे, जो चुनेंगे, वही नेता हमारे विधायक दल का होगा, ये ऐसा उन्होंने एक रेजोल्यूशन करके पास करके दिया था। फिर भी राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हर एक शासक से भी आप पूछ लीजिए। तब मैं हमने सारे विधायकों से पर्सनली रात के 1:30-2 बजे तक बातचीत की और ये जो साल था ये पूरा हम हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा, उसकी चर्चा हुई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीएमपी लीडर हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सभी को बुला के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उनसे बातचीत करके, क्योंकि ये फैसला बड़ा कठिन था, तो सभी ने पार्टी के लिए काम किया है, इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सभी बराबर के हैं, तो दिक्कत बराबर के जब होते हैं तो उसको चुनने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए राहुल जी बोले कि सभी ने तो काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा रिजल्ट दिया, इसीलिए सारे सारे लोगों को उन्होंने धन्यवाद किया और
चार नेताओं से भी बातचीत करने के बाद वो अंतिम फैसला हमें सुनाए कि ये बात आप विधायक दल के सामने रखिए। तो आज विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें हमने राहुल जी का जो संदेश था, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल हैं, उनको विधायक दल का नेता चुना जाए, तो उसको सभी ने एक मत से, एक वॉइस में सभी ने उसका अनुमोदन किया, उस प्रस्ताव को पारित किया। और खास करके जो प्रपोजर सिंहदेव जी, फिर सेकेंडर साहू साहब और चरण दास महंत जी, ये सभी ने उसको, उस रेजोल्यूशन को पास करवाया और सारे विधायक एकजुट से वो आज बघेल जी को चुने हैं और कल चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना प्रमाण स्वीकार करेंगे। तो ये मुझे आपको बताना था। हमारे सामने तो बहुत से कठिनाई भी है और 15 साल के बाद जब हम हुकूमत में आए हैं तो समस्याओं को सुलझाना भी, और हमने जो अपने चुनाव प्रणाली में जो कुछ कहा है उसको भी अमल में लाना है, अनुष्ठान में लाने के लिए सारे लोग मिलकर प्रयत्न करना है। बड़ी जिम्मेदारी हमारे भूपेश जी के ऊपर है और हम सबको विश्वास है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और मिलकर चलेंगे। और जो कांग्रेस की मंशा है, जो कांग्रेस का ध्येय और धोरण है, उसको पूरा वो निभाएंगे, ये पूरा विश्वास EICC को भी है, हम सबको भी रहे हैं, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। और कल 5 बजे यहाँ पर उनका प्रमाण वचन होगा, तो आप सभी तो वहाँ आ रहे हैं, फिर भी मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद।